हेलो स्टूडेंट्स आज प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछो तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि प्रोजेक्टाइल है क्या प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है जिसको अर्थ से थ्रो किया गया है एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया है अर्थ से तो वो प्रोजेक्टाइल है तो देखिये प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ अब वो ऑब्जेक्ट चाहे स्ट्रेट लाइन में चले चाहे वो पैराबोलिक पाथ में चले कई लोगों को दिमाग में लगता है कि जो हम लोग मोशन इन वंडी में स्ट्रेट लाइन में फेंकते हैं वो अलग है और जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग यहाँ पे पैराबोलिक पाथ वाला कौड पाथ वाला करते हैं ये वाला तो प्रोजेक्टाइल है बट वो कुछ अलग चीज है देखिए ऐसा है, आपका मिसकनसेप्शन दूर कर दू प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों होते हैं बट ये ये प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए प्लेन है और वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं स्ट्रेट लाइन है प्रोजेक्टाइल वर्ड में ऐसा कुछ नहीं कि कर्व्ड होता है प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन या कर्व नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है एनी ऑब्जेक्ट थ्रो इन एयर व्हिच अंडरगोस ए मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे तो उसका वेट होता है तो कोई भी मोशन जो वेट के अंडर हो रहा होता है और ऑब्जेक्ट फेंक दिया गया अब उसमें कोई एयर फ्रिक्शन या और कोई फोर्स नहीं है ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है अब अगर ऑब्वियसली हम उसको वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो उसकी विलोसटी और एक्सलेन एक ही डायरेक्शन में हो रही स्ट्रेट लाइन में चलेगा और अगर हम उसको कवर्ड पाथ में फेंकेंगे उसको वर्टिकल छोड़ के कहीं पे भी हॉजेंटल फेंकेंगे भी प्रोजेक्टाइल पाथ आप एक बॉल को हॉजेंटल फेंक दो प्रोजेक्टाइल पाथ में चलेगी पाथ में प्रोजेक्टाइल पाथ मतलब पैराबोलिक पाथ में, में चलेगी कवड़ पाथ में

कोई भी मोशन इन ए प्लेन हम उसको एज ए टूटो इन टू टो एज एल स्टडी नहीं करते हैं उसको से ब्रेक करके स्टडी करते हैं कंपोनेंट ऑफ मोशन अलग डील करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन अलग डील करते हैं सेम चीज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए करेंगे तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट पार्टिकल बॉडी ये तीनों वर्ड में इंटरचेंजेबली यूज करूंगा तो एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से थ्रो किया गया है और ये कर्ड पाथ में चलते हुए फिर फाइनली ग्राउंड पे ही वापस आ गया है तो इस टाइप का जो फुल इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका जो फुल मोशन है इसको बोलते हैं ग्राउंड 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 टू टू प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं ग्राउंड ग्राउंड तो अब आप पूछोगे क्या पूछोगे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो हमारा तो डिस्कशन ही इसी चीज पे हो रहा है प्रोजेक्टाइल में कुछ भी हो तो पूछो तो तो सबसे पहली चीज ये पार्टिकल कर्व क्यों चला तो मैं बोलूंगा भाई ये देखो ये वेलोसिटी थी जो ये दिख रही है आपको ये ऐसी थी कवड कव का मतलब कव तो नहीं है मतलब स्ट्रेट लाइन ये लाइनिटी तो नहीं होगी बट ये देखिए ये थी ऑब्लिक ऑब्लिक बोलना ज्यादा सही रहेगा जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दोगे आप इस वेलोसिटी से वैसे ही इस पे जो एक्सेलरेशन है वो लगने लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स है वेट की वजह से जी अब देखिए जी में यानी कि इस एक्सेलरेशन में और इस वेलोसिटी में ऑब्लिक एंगल बनना है तो मैंने क्या किया कि जहां से इसको फेंका था मैंने उसको ले लिया ओरिजिन को ले लिया एक्स वर्टिकल को ले लिया वाई अब किधर है downward, downward में तो g, दोनों दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग थ्रोन इट इज बीइंग थ्रोन स्पीड यू एट एन एंगल थीटा फ्रॉम से थीटा एंगल बनाते हुए हमने इसको छोड़ा है तो यू के दो कंपोनेंट आएंगे एक आएगा यू को थीटा

माइनस जी जे कैप अब हम उसको और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वेलोसिटी और एक ही डायरेक्शन में नहीं है अब जैसे एक्स वाला है एक्स वाला कंपोनेंट आप समझिए कि एक्स वाले मोशन में हम लोगों ने इनिशियल एक्स में वेलोसिटी यू कॉस थीटा देके छोड़ा था इसको मैं यू एक्स बोल देता हूँ

UX, X UX, 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 X तो क्योंकि X वाला जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है X वाला मोशन कैसा है यूनिफॉर्म मोशन अब देखिए ये देखिए मैंने दिखाया X वाला मोशन अगर आप इसका प्रोजेक्शन ले लो इसका परछाई ले लो इसकी इमेज ले लो X में तो इस प्रोजेक्शन इस प्रोजेक्टाइल की इस पूरे प्रोजेक्टाइल की जो जा रहा है इसका एक्स में अगर आप परछाई लो तो यूक्स एक्स 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 में कभी भी मोशन में विलोसिटी चेंज नहीं हुई है अगर में 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 कभी वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम टाइम यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस स्पीड टू टू 30 चाहिए समझ आ गया एक एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड डिग्री के एंगल पे फेंका तो बताओ वेलोसिटी कितनी है पहुंचेगा

अब और में होते जीरो होगी वाई वेलोसिटी कहां जीरो होगी पीक पॉइंट पे जीरो होगी भाई वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी पीक पॉइंट पे जीरो होगी हो तभी तो वो पीक पॉइंट है क्योंकि अगर वो वेलोसिटी कुछ बची रहती तो वाई में और आगे बढ़ता तो फिर कहेगा पीक और ऊपर चढ़ता और हाइट जाता

अगर आप मुझसे पूछो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन कैसे डील करने तो मैं बताऊंगा में में ब्रेक में ब्रेक ब्रेक करना एक्स कंपोनेंट कंपोनेंट करो करो वाई और दोनों को एड कर दो अब अब आप पूछो क्या पूछोगे कि वाई कंपोनेंट कैसे डील करोगे वाई तो कंपोनेंट ये देखिए मैंने अलग बना दिया एक्स अलग बनाया था वाई में देखिए जो वाई से स्टार्ट किया था जीरो और फिर जीरो से फिर उसी जगह वापस आ जाएगा तो उतनी ही स्पीड से आ जाएगा वर्टिकल अगर मोशन अलग से डील करें तो वाई में आप देखिए एक्सेलेरेशन है

अब देखिए वही क्वेश्चन 40 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री से फेंका था एक्स तो हमने डील कर लिया था ट्वेंटी रूट थ्री वाई डील करते हैं वाई में 40 साइन 30 साइन 30 आप तो 20 मीटर पर सेकंड पर हर समय थोड़ी ना 20 बनी रहेगी धीरे धीरे रहे, स्पीड घटेगी घटेगी और आपको जैसे मान लो एक सेकंड बाद चाहिए तो मैंने क्या बोला जो वाई लगाई आप वही वनडी की क्वेश्चन लगानी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन कोई बहुत बड़ी तो ना आपको वनडी आपको सॉल्व करना है जो कितना था ट्वेंटी

हम और भी इसकी चीजें निकाल सकते हैं इसका टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट मैक्सिमम हाइट इसकी रेंज और इसके पूरे मोशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना बट इस वीडियो का फोकस यही था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कंपोनेंट से ब्रेक कैसे करते हैं एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में अगर आपको और प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन मोशन प्लेन कंप्लीट करना है तो आप अगले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर